अस्सलाम वालेकुम जी। वेल, ये है जी पेपर पीएमसी एमडीकैट का 2021 सितंबर 17 का। लेकिन इससे पहले कि मैं पेपर आपसे डिस्कस करूं, कुछ बातें आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। पहली बात तो ये है कि जो नम्स का पेपर हो रहा है, उन्होंने ये इंतहाई बेहुदा किस्म की ये शर्त लगाई कि जो एमडीकैट ही का पेपर पास करेगा वही जो है वो नम्स के अंदर भी अपेयर हो सकता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आपका एमडीकैट का पेपर पास हुआ है या नहीं हुआ, आपको नम्स का पेपर लाजमी दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी टाइम भी पॉलिसी चेंज हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप अपने गफलत से या डिप्रेशन में आके आप पेपर ना दें, जरूर पेपर दीजिए, ठीक है, उसमें जरूर अपीयर हो जाए। दूसरी बात यह कि ये मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका हुआ है कि वो बच्चे जो इंतहाई जहीन है उनके नंबर भी पूरे नहीं आ रहे। नंबर वन एलिगेशन ये है, बल्कि एलिगेशन ही यकीन की बात है कि इनकी की गलत है, और अगर इनकी की गलत नहीं है तो इनको सामने आकर जो है ना वो शेयर करने चाहिए कि यार ये आपकी की थी और इस तरह के आपके आंसर थे। ट्रांसपेरेंट काम होना चाहिए इनका, ठीक है। दूसरा ये कि इनके क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, और ये इंतहाई जो है ना वो बेहुदा किस्म की जस्टिफिकेशन ये है कि जी कहीं ना कहीं से हमेशा शुरू से ही ऐसे होता रहा है कि चंद एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहे। वो कौन सा इम्तिहान होता है जिसके अंदर आप सिलेबस कुछ देते हैं और इम्तिहान कोई जो है ना वो क्वेश्चन कुछ और दे रहे हो? ऐसा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपका बहुत सा जो इंटरनल जो सिस्टम है वो फेलियर है। कहीं भी दुनिया भर के अंदर ऐसा नहीं होता कि एग्जाम जो है ना वो एक महीने के अंदर 30-30, 60-60 एग्जाम जो है ना वो चलते रहे। इट्स वेरी अनफेयर। मतलब ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि तभी 2.5 लाख बच्चों का जो कैलिबर है वो इक्वली जो है वो सही जगह पे लिया गया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। इसके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट भी करना है। जहां जहां आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं जरूर बुलंद कीजिए। बहुत से बच्चों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, और होप्स हो, ये उम्मीद की जाती है कि ये पेपर इनके जो एमडीकैट पीएमसी के कैंसिल होंगे और एक दिन के अंदर सभी के एग्जाम होने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब जरा जो जो किस क्वेश्चन आते आ रहे हैं, जिन बच्चों ने पेपर अभी देने हैं, तो वो कम से कम अपनी बेस्ट तैयारी के साथ दिए वो पेपर दें, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि किस अंदाज से चीजें जो है वो होनी है, ठीक है जी। ये पेपर है, इसको आप जरा देख लीजिएगा पॉज करके। ये लॉजिकल रीजनिंग है, और ये इसमें इंग्लिश का पेपर भी है। इसमें मैं लिखता हूँ कि बाय बी सीरियस, इट्स नॉट अ जोक। ये बी का होगा, और इसमें चूज करेक्ट स्पेलिंग के अंदर ये लेंथ के स्पेलिंग भी हैं और शेक्सपियर के स्पेलिंग भी ठीक लिखे हुए हैं। SHAKESPEARE होते हैं, और ये देखें आई एम गोइंग टू अफगानिस्तान नेक्स्ट ईयर, ये डेल्टा से ही होगा। अल्लाह के विल को भी ठीक है, लेकिन हम आई एम गोइंग इसलिए करेंगे कि फ्यूचर के अंदर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली हैज बीन है, तो बच्चे बच्चे को आता है। बाकी आप ये केमिस्ट्री का देख लें पॉज करके। बायोलॉजी का पेपर है, और ये फिजिक्स का पेपर है, और ये ऐशा आबिद बच्ची है जिसने ये पेपर दिया 17 को, और कुछ देखें उसकी आप माइंड देखिए, उसकी जहानत देखिए कि उसने किस अंदाज से क्वेश्चंस को तरतीब से देकर नोट कर लिया उसने। ये आयशा आबिद है जी, जिसने ये पेपर सारे आपके लिए जो है वो तरतीब दिए, और देखिए किस अंदाज से, आई मस्ट अप्रिशिएट हर कि उसने पूरी के अब जहानत देखी है उस बच्ची की, कितनी जहानत है, कितना यानी मेमोरी कितनी है, कि एक क्वेश्चन कितनी प्रेशर में है, मतलब अंडर प्रेशर पेपर देता है, लेकिन वो ये कि सारे क्वेश्चन जितनी मोस्ट प्रॉबेबली है उसने उसको लिखा है आके। तो अगर ऐसे बच्चों को भी दाखिला ना हो तो वो फिर तो गलत बात है ना। मतलब आप किस कौन सा क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं या नहीं बनाते आप,
ये कुछ इंग्लिश का भी है, जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रश स्पेलिंग नथिंग की हम बात कर चुके हैं, और कॉम्प्रीहेंड अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज में मे आई कम विद यू, ये क्वेश्चन मार्क वाला ठीक होगा, अल्फा ठीक होगा, ये सारे बाकी गलत हैं। और ये दे डैश ये होना चाहिए दे यूजली गो फॉर अ वॉक, अब दे गो यूजली नहीं होता सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन गो ही वाला होगा। तो द बेबी इज क्राइंग होगा क्योंकि एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इज क्राइंग होगा। ही विल रीच फॉर डिनर होगा और एट 8 o'clock होगा, इस तरह से दे विल। अच्छा ये सेंटेंस ना गलत है, मतलब ये गलत ऐसे है कि ये जिस अंदाज से जिन बच्चों ने जब ये पेपर मुझे बताते हैं तो जारी बात है मेमोरी का कहीं ना कहीं इश्यू हो जाता है। ये सेंटेंस ऐसे सही होगा, दे विल मेक चिल्ड्रन, दे विल मेक चिल्ड्रन स्टॉप मैसिंग अराउंड, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, स्टॉप का जो है ना वो छोटा हो जाएगा। तो दे विल मेक चिल्ड्रन स्टॉप मैसिंग अराउंड, वो बच्चों को मैसिंग करने से मतलब गड़बड़ करने से जो है ना रोक देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल के लिहाज से ये अल्फा जो है वो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट शुड ऑलवेज कम आफ्टर वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद नहीं आता, वर्ब से पहले आता है। हाँ इल्ला के यहाँ पे कोई इन्वर्जन हो रही हो, तो चूंकि उसने इन्वर्जन का जिक्र नहीं किया तो ये हमारा गलत है। बाकी सब जो सब्जेक्ट शुड ऑलवेज कम आफ्टर वर्ब, नहीं ये गलत है, ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर वर्ब बिल्कुल आता है और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के लिए यूज होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ये एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर, अब पता है मसला क्या है, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ जाता है उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं, और जो पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव होता है, इस लिहाज से ये ठीक है, नॉट अ रोल रॉन्ग, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है हमारा अल्फा ऑप्शन। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई इट, an adjective is used after noun, एक जो adjective of noun के बाद होता है जो उसको qualify कर रहा है, तो हम इसको use कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये तीन तरह के होते हैं ना, कि एक predicative है, एक attributive है, और कुछ noun ऐसे होते हैं जैसे man, concerned, उसके फौरन बाद आ रहा है, तो it's okay। और where is the error, I forbid you not to go there, forbid आपको पता है उसके बाद हम not नहीं लगाते, तो not to ये गलत है बेटा, I forbid you go there वाला ठीक होगा। इस तरह से एक जो है ना punctuation question आया, एक sentence completion question आया, और habitual action जो है मतलब वो present simple का जो question आया, और one more preposition थी, ठीक है जी। और ये आपके लिए कुछ question की types जो बार बार आ रही हैं, इसको जरा देख लीजिएगा, simple sentence कौन से हैं और complex कौन से हैं, इसकी भी types आ रही हैं, तो जरा एक मिनट इसको देख लें। और ये कुछ पहले से वीडियोस बनी हुई हैं, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप इनको भी देख सकें। और आखिरी बात जी याद रखिएगा, जिंदगी में कोई एक इम्तिहान नहीं आता, जिंदगी इम्तिहानात से भरी पड़ी है, तो एक इम्तिहान फेल भी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई आपकी, आपके जिम्मे सिर्फ मेहनत करना है, भरपूर मेहनत कीजिए, उसका रंग लाना, उसका रिजल्ट लाना, उसके लिए खैर के मामले अल्लाह ताला ने लाजमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लान बना कर रखा हुआ है, तो अपने जिंदगी में किसी भी लम्हे पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक हम जो है ना एक और अच्छी वीडियो के साथ आपसे, बल्कि होप्स हो कि इस खबर के साथ मिलें कि जी पीएमसी ने ये सारे कैंसिल, ये सारा जो प्रैक्टिस की है, जरी बात बहुत सा पैसा लगा है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि दे इट शुड बी कैंसल्ड, और एक वन डे एक्टिविटी जो है वो जरूर होनी चाहिए।